राकेश रंजन कुमार जने भारतीय चलचित्र निर्देशक एवं लेखक से डियर फ्रेंड हिटलर फिल्म निर्देशना देथिले जहाकि 2011 मसीहारे कान्स फिल्म फेस्टिवल रे प्रदर्शित होइथिला। कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय रे हिंदू कॉलेज रु हिंदी साहित्य रे स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करिछंती। से एकाधर रे जने निर्देशक लेखक ओ अभिनेता भाबे पंच लाइट सखाराम बिंदर जाति ही पूछो साधु की होली आंटीगोन एंड वेस्ट साइड स्टोरी भली प्रोडक्शन सहित अनेक मंच नाटक रे भाग नेथिले। परे से सुभाष घाई को मुकटा आर्ट सहभागिता रे डीडी वन पाई जामीर भली टीवी सीरियल प्रस्तुत एवं निर्देशना देथिले। से हिंदी लेखक मनोहर साम जोशी और चलचित्र निर्माता इम्तियाज अली अनुराग कश्यप एवं अविनाश कश्यप के सह लेखक भाबे ताको चलचित्र जीवन आरंभ करथिले। आसंतु जानिबा तांकर ए जीवन यात्रा की परिथिला। दिल्ली में क्या था सर, सिविल सर्विसेज का था, मैं भी था वहाँ तो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा था। तो पहले यही होता वहीं से बिहार के, लेकिन बॉम्बे में बहुत कम होते थे, ज़्यादा पंजाब से होते थे, अगर एक्टर से तो दिल्ली पंजाब इस टाइम। अभी बिहार से काफ़ी राइटर्स और डायरेक्टर्स तो बहुत हैं यहाँ, अभी टेलीविज़न में भी डायरेक्टर्स भी हैं कई सारे। तो एक यूपीएससी की तैयारी से लेकर यहाँ की जर्नी कैसे, मतलब बदल? मेरा जर्नी बहुत डिफरेंट रहा है। मैं सैनिक स्कूल का लड़का हूँ, तिलैया से। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया पढ़ने, फिर मैं हंसराज कॉलेज में था, वो भी साइंस पढ़ रहा था, लेकिन फिल्म में थोड़ी रुचि थी। वहाँ से पढ़ते फिर मैं जेएनयू चला गया। जब जेएनयू में चला गया तो कुछ वहाँ फिल्म क्लब के थ्रू कुछ फिल्म्स देखा। फिर मैं एम्बेसी वगैरह से कनेक्शन हो जाता है, वहाँ जाते तो एम्बेसी वगैरह में फिल्म देखने जाता था, तो फिल्म में रुचि हो गई। तो सडनली एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट देखा SRFTI, सज्जीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, जो कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया है, उसकी पहली बार ये लोग इनटेक करने वाले हैं स्टूडेंट्स का। तो मैंने भर दिया, मुझे लगा होगा तो नहीं, ऐसी देख लो क्या होता है भर के। वो ऐसा था कि रिटेन हो गया, फिर वो ओरिएंटेशन के लिए गए, ओरिएंटेशन वगैरह होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वो भी हो गया, फिर फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो गया, इंटरव्यू भी ठीक ठाक हो गया, और फाइनली कॉल आ गया वहाँ। तो IAS की तैयारी मुझे बहुत फ़ायदा किया। जो रिटन एग्ज़ाम है, मैक्सिमम बहुत जनरल क्वेश्चंस ही थे हर सब्जेक्ट से, इधर उधर साइकोलॉजी से लेके सब। तो चूँकि मेरा IAS का प्रिपरेशन था तो मुझे रिटन क्रैक करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ SRFTI का पेपर। साइकोलॉजी नहीं, नहीं वो तो मिक्स्ड होते हैं ना, जैसे उनका जो जनरल स्टडीज़ होता है, जो सिविल प्रिलिम्स में, वो हर सब्जेक्ट से ही रहता है उसमें क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट से। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको हर सब्जेक्ट का होना चाहिए, वैसा ही था इसमें भी। तो मुझे भी अपने फीडबैक अब मिला है मार्केट से कि नहीं एकदम अच्छा है, और साथ वो साजिश वाले भी अपने करेंगे पहले को, वो सब नहीं है इसमें, वो सब चीज़ नहीं है। मैंने कोई निगेटिव कैरेक्टर्स नहीं है इसमें, कुछ भी सास बहू भी वैसा नहीं है कुछ भी। यहाँ देखिए नाम है इसका ससुराल गेंदा फूल, मतलब कि जैसा गेंदा फूल एक स्वीट सा फ्लावर होता है, कॉमन मैन फ्लावर होता है, गरीब भी उसको खरीद सकते हैं, सस्ता होता है, और तो वो अमीर गरीब किसी को भी वो ये नहीं करता। तो इस सिलसिले में उसका कंटेंट ही ये था कि जैसे सुहाना जो कैरेक्टर थी वो बहुत नकचढ़ी थी, अपर क्लास से आई थी ये, वो उसको यहाँ आके उसने जब प्यार देखा, ससुराल का प्यार देखा, तो वो भी मेल्ट कर गई। तो वो हमारा कंटेंट है, तो उसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस घर में नहीं है। तेबे एहा थिला तांको सिविल सर्विस जीवन रो सिल्वर स्क्रीन रो जीवन। एहा सह आगुकु से तांको निर्देशनारे दर्शक मानकु आउ कोन सब भेटि देबे ताकु देखिबा बाकी।